हेलो, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डीलिंग विद ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स। इनका स्टेटस क्या है, कहाँ पे है ये, तो लेट्स डील विद स्लाइम मोल्ड। सबसे पहले मैं बता दूँ कि स्लाइम मोल्ड्स पहले फंगस में थे, वहाँ से ये चले गए। इनका जो नेचर था दैट लुक्स मोर लाइक प्रोटिस्टस, प्रोटिस्टनल्स जो किंगडम है उसमें रखे गए। तो ये हम देखते हैं कि प्रोटिस्टनल्स में कहाँ पे है। तो सबसे पहले वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्लाइम मोल्ड्स की। ओके, अब प्रोटिस्टस में क्या है, जो प्रोटिस्टस का किंगडम है इट इज डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर, इसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बट दे आर यूकैरियोटिक, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस है। तभी तो इनको ये मोनेरा से बाहर रखा गया है, मोनेरा किंगडम अलग रखा गया है, जिसमें वी हैव प्रोकैरियोट्स बट हियर वी हैव यूकैरियोट्स, बट दे आर मोस्टली सिंगल सेलुलर एंड सिंपल अमंग यूकैरियोट्स। तो प्रोटेस्टेंट को देर आर एक्चुअली थ्री ग्रुप्स। वी हैव फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट्स, फोटो सिंथेटिक। हमारे पास दूसरा क्या है, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड वी हैव अनदर ग्रुप दैट इज डेफिनेटली दोज आर कॉल्ड प्रोटोजोनस। यस, प्रोटेस्टेंट प्रोटोजोनस। सो दिस इज वी हैव प्रोटो जुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस आर डाइनो फ्लैजलेट्स, डाई एटामल्स, इवोल्यूनाइड्स। सो दिस आर डाइनो फ्लैजलेट्स, जिसमें दो फ्लैजम रहते हैं। दिस आर डाई एटामल्स, जो फर्स्ट चूला, जिसमें दो, देर आर थ्री का देर आर टू पार्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायटमस। तो दीज आर डाइनो फ्लैजलेट्स, जिसमें लोग फ्लैजलम रहते हैं। दे हैव इग्नोलाइड्स, जिसमें इग्लिना रहते हैं, देर इज अ फ्लैजलम आल्सो। सो दीज आर फोटोसिंथेटिक प्रोटोस्टेनस। नाउ मूविंग टू दिस प्रोटोजोआ, इन प्रोटोजोआ वी हैव सो मेनी टाइप्स। वी हैव सीरियट्स, ठीक है, जिनमें सीरिया का प्रयोग होता है फॉर लोकोमोशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पैरामीशियम, पैरामीशियम, इसमें वी हैव दूज आर कॉल्ड सार्कोडाइनस, सार्कोडाइन। वी हैव स्पोरोजोआ, वी हैव फाइनली दैट्स कॉल्ड दिस सीलेट्स विद हेल्प ऑफ सिलिया, सार्कोडाइनस, वी हैव स्पोरोजोआ। सो दीज आर एक्चुअली थ्री ग्रुप्स इन दिस। तो ये सिलिया का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस सार्कोडाइनस दिस यूज सम मसल्स, या छोटे जो सिंपल मसल होते हैं। तो दीज आर एक्चुअली दोज, जिसमें मान लीजिए सीरोपोडिया का इस्तेमाल होता है। सो दीज आर एक्चुअली सीरोपोडिया, जिसमें एमीबा एमीबा वगैरह आते हैं। स्पोरोजोआ में वी हैव मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स, लाइक वी हैव लेशमानिया, वी हैव जियार्डिया, जियार्डिया लांबा, वी हैव प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सपेरम, जो मलेरिया करता है। वी हैव ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा एंड सो मैनी, दीज आर स्पोरोजोन्स, वी हैव सार्कोडाइनस, वी हैव सीरिएट्स। तो सो दीज आर सम, इसको भी हमने कुछ नहीं करना है। सो लीव ऑल दीज थिंग्स, ऑल्सो लीव दीज थिंग्स। तो हमने क्या करना है, स्लाइम मोल्ड को लेना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्लाइम मोल्ड। ये स्टेटस है स्लाइम मोल्ड का, दे आर पुट इन प्रोटिस्टेनस। तो स्लाइम मोल्ड क्या है, व्हाट इज स्लाइम मोल्ड, इट्स एक्चुअली मिक्स एमीबा, एक तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है जो यूरिन्यूक्लेट होता है, ठीक है। सो दिस इज मिक्स एमीबा, मिक्स एमीबी। तो इसमें एक साइटोप्लाज्म रहता है एंड देर इज अ शीथ, साइज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। कभी कभी ये प्लाज्मोडियम, इसमें वेन्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड फेनेरोप्लाज्मोडियम, फेनेरोप्लाज्मोडियम। कभी कभी विदाउट दोज वेन्स होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मोडियम, प्रोटोप्लाज्मोडियम। अब ये कभी कभी मल्टीसेलुलर भी बन जाता है, इसमें बहुत सारे यूरिन्यूक्लेट, जो न्यूक्लियस हैं बहुत सारे आ जाते हैं, इट बिकम्स मल्टी न्यूक्लेट इन सम कंडीशंस। इसी तरह
इसमें क्या होता है, कभी कभी कॉलोनीज इकट्ठे आ जाते हैं, बहुत सारे मिक्स एमीबा इकट्ठे आ जाते हैं इस तरह से, और इनमें एक शीथ हो जाता है, कॉमन शीथ बन जाता है बाहर से, और वो सेल इस तरह से मिक्स हो जाते हैं। हमें लगता है शायद ये एक ही ऑर्गेनिज्म है बट मल्टी न्यूक्लिएट है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये कॉलोनीज होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, यूनिन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम। हमें क्या दिखता है, इट इज़ लाइक मल्टी न्यूक्लिएट सिंगल प्लाज्मोडियम, इस कॉल्ड स्यूडो प्लाज्मोडियम, स्यूडो प्लाज्मोडियम। तो ये इसमें बाज़ाब्ता वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन वगैरह स्पोरोजेनेसिस में हो जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं। वी हैव ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह के कॉलोनीज मेल फीमेल उस तरह का इसमें आ जाता है। इट मूव्स बाई टाइप ऑफ सीडोपोडिया, एंड जब इसमें अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं, देर आर अनफेवरेबल कंडीशंस इन प्लाज्मोडियम, तो एक प्लाज्मोडियम क्या करता है, वो साइक्लिक एएमपी सिग्नल डाल देता है, बिकॉज ऑफ द सिग्नल मोस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम कम टुगेदर एंड देर इज अ शीथ ऑफ म्यूसिलेजिनस शीथ एंड देन देर इज अ स्पोरोजेनेसिस, स्पोर वगैरह बन जाते हैं। तो दीज आर एक्चुअली टू टाइप्स, वी हैव सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर प्लाज्मोडियम। सेल्यूलर जिसमें थोड़ा सेल का स्ट्रक्चर है, बाहर से एक मेम्ब्रेन रहता है। ए सेल्यूलर इसमें खाली प्रोटोप्लाज्म हमें दिखता है बट बाहर की कोई कवरिंग नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड ए सेल्यूलर। ये पूरा प्लाज्मोडियम में बहुत सारे हमें ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो देर आर सो मेनी ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्डस, तो बेसिकली दे वर इन फंगस, तो फंगस से इनको बाहर निकाला गया, यहाँ रखा गया। सो दिस इज स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टन ग्रुप स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स एक इम्पॉर्टेंट अपना एक अलग मुकाम रखते हैं, अलग इनका ग्रुप बनाया गया है, बाकी प्रोटिस्टन से इनको अलग रखा गया है। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप, रिप्रोडक्शन, कॉलोनीज, सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, प्रोसेसेस, एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।